और इसी के साथ साथ हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो भाई वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बात तो सही है। क्या चपेड़े मारी है उन्होंने भाई, यूएसए ने चपेड़ मारी है, उसके बाद मुश्किल से जीता है कनाडा से, और इंडिया ने तो खास तौर पे यार बेइज्जती की है, गजब बेइज्जती है। इसी के साथ साथ यार आज मेरी एक आ रही है दोस्त, और दोस्त कौन आ रही है वो आप लोगों को मिलवाता हूँ, क्योंकि अभी मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, उसको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्त आ रही है मेरी बेटी को मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरी शादी पे तो आई नहीं था, उसने कुछ ना कुछ तो करना था, तो वो मेरी अब बेटी को मिलने के लिए आ रही है। वाह यार, यार आपस की बात है, मैं ना बड़े सुकून में हूँ, क्योंकि यार मैंने इस गाड़ी के सीट कवर जो थे ना लेदर वाले वो मैंने उतार दिए, अब भाई जिंदगी में सुकून आ गया। और यार इतने दिनों से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, आप लोगों को दिखा नहीं सका, बता नहीं सका कि क्या चल रहा है जिंदगी में। तो जिंदगी में यार आजकल चल रही है गर्मी, और गर्मी ऐसी चल रही है कि भाई ना तो कुछ कोई काम करने का दिल नहीं करता, कोई व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी चढ़ गई है, सीधी बात है। Guys, अड्डे पे पहुंच गया आपका भाई, और अब बस वेट है उसका, 5-10 मिनट लगेंगे, आ जाएगी वो, और जब वो आएगी फिर आप लोगों को मिलवाऊंगा उससे, एक अजीम हस्ती से, एक अजीम शख्सियत से। मैंने उसको पिक कर लिया फाइनली, ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, 5-10 मिनट, मैं सिर्फ 2 मिनट हुए थे खड़ा हुआ था, तो आ गई थी फटाफट। जिससे मैं तुम लोगों को मिलवाना चाह रहा हूँ, जिस बंदी से मैं तुम लोगों को चाहता हूँ कि तुम लोगों का इंट्रोडक्शन हो, तो यार ये मेरी बहुत पुरानी, बहुत दूर की, बहुत पुरानी मेरी दोस्त है। और ये दोस्त कौन है? ये हेलो रुदेश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा रहा आपका सफर? इट वाज नाइस, इट वाज स्लीपी। आप मेरी शादी में नहीं आई? आपको मैंने बताया था मेरी मेरी नई नई जॉब लगी थी, एंड ही गॉट लाइक हिज डेट्स वर 5th ऑफ फेब, और मेरी 3rd ऑफ फेब को अपॉइंटमेंट हुई थी। मैच के लिए लकी भी था कि मेरी शादी है, तो ये इसकी देखो जॉब भी लगी, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी आ गई है ना, तो आप सब हालत तुम लोगों के सामने ही है। वैसे पहले भी इतनी खास नहीं थी, लेकिन अब मजीद ज्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि यार सामान वगैरह पिक किया, बड़ा सामान तो ये था, इसको भी पिक कर लिया, हिम्मत है मेरी। और मेरी गाड़ी की जो चल रही है भाई, तो भाई लोग प्लान बन गया, अब किधर जाने का प्लान बन गया, जाने का जी आज जग्गूवाड़ जाने का। जग्गूवाड़ क्यों? क्योंकि रुदस आई है, तो वो कह रही कि मुझे पानी वाली जगह पे लेके जाओ। जाने लगे नहाने धोने के लिए, क्योंकि घर तुम्हारे पानी है नहीं ना, तो लेकिन जोक से पार्ट, वहाँ पे यार पानी बहुत मजे का आता है, सही खुला ठंडा। बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग छलांग मार के आ गए अपनी वैनम में, वैनम वैनम बोले तो अपनी गाड़ी में, और विद माय बेगम। हाय गाइस, तो बेबी देखो ना कितना पड़ा लग रहा है उससे। ओए मामा, आप किधर जा रहे हो? जंग थे महास्ते। तो यार आज की ये स्टोरी है, सबसे पहले ये काम हो चुका है मेरी बेबी, देखो कितनी फ्रेश फ्रेश जल्दी जल्दी तैयार हुई है जी, नहाने के लिए अब जाएंगे हम, ठंडे ठंडे पानी में जाएंगे, नहाएंगे, मजा करेंगे। मेरी माँ जो है ना फुल टिफिन डरी हुई है, कह रही है मैंने नहीं आना, मैं लेके पानी बड़ा तेज है, ये सीन है। अम्मी मेरी डरी हुई है, मैं तो भाई साहब अंदर आ गया, मैं तो अभी नहाऊंगा धोऊंगा, ठीक है तुम लोगों को भी दिखाते हैं कि सीन क्या हो। बेहतरीन किस्म का ठंडा, शदीद ठंडा पानी है, एज यू कैन सी द फ्लो ऑफ वाटर। हाय हाय हाय, भाई साहब बेहतरीन किस्म का चश वाला पानी है यहाँ पे, मैं तो तुम लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग आओ यहाँ पे, नहाओ फैमिली के साथ, एंजॉय करो अच्छी जगह। ये देखो एज यू कैन सी दिस, क्या पानी आ रहा है वहां से, टॉप से पानी आ रहा है बेहतरीन किस्म का, आवाम आई हुई है। फेंक फेंक अपने फोन पे पानी, फेंक फेंक ना, A few inches later. तो भाई साहब नहा धो के हम लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर आते सार इसका दिल कर गया, और यार क्या मजे की भाईजान ने रो बनाई है, इवन मामा को पसंद आई है, छोटे बॉस को पसंद आई है, क्यों जिगरोज? बहुत जबरदस्त जिगरोज। हाँ जी, ठंड लग रही है, आपस की बात है, तुम लोग एक और मंगवा सकते थे, इतनी भी शेयरिंग इज केयरिंग है, लवली तुम लोगों का भर गया, तुम लोग अभी पहली दफा मिले हो आपस में। तो भाई मेरी दोस्त जो है ना, वो ना के सिर्फ लाहौर से आई है, वो कुछ चीजें भी लेके आई है, और वो अभी शोकेस कर रही है। अच्छा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है? दिस इज सैड। फुप्पो की तरफ से गिफ्ट उसका, ठीक है, ये गिफ्ट आ गए। यार ये तो वैसे काफी ज्यादा गिफ्ट तुम ले हो यार, तुम शादी पे नहीं मेरी है, अब मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। फुप्पो मिले तो ऐसे ही मिले, फाड़ दो इसको, तो बाद में करते हैं ऐसा ही है, फाड़ दो इसको, होता ही नहीं है भाई, कोई भी नहीं करता।
नहीं ये मैंने वैसे बना लिया इसकी वीडियो के अच्छे तरीके से, आप इसको परोस के लेके आई हैं। तो भाई पप्पो मैं आपके पास आ गया हूँ, पप्पो मुझे बताओ मेरे लिए क्या का लेके आए हो आप। अच्छा टॉयज भी उसके पास बहुत है, मैंने देखे हूँ मैं। नहीं नहीं गुड है। ओ हेलो पप्पो, नहीं यार दिस इज समथिंग गुड यार, ये क्या है ये, अभी उसने खाना पीना शुरू करना है। नाइस यार, यार दिस इज नाइस यार। वैसे ये एक चीज है जो मुझे भी पर्सनली अच्छी लगी है कि मतलब इतना प्यारा, ये देखो ये लेके आई है, ये देखो माया, ये देखो ये पुप्पो आपके लिए लेके आई है ये। उए, उए, से थैंक यू, थैंक यू। इसको पाड़ दो, साथ ही ये देसी काम तुमने शुरू कर दिया ताकि हम कीमत ना देख लें। अच्छा ये तूने देने से पहले तेरे साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था, उन्हें पता है इसको पता है, वो मेरे से बातें कर रही थी जब उधर बैठी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन अब रिएक्शन ही उसका बदल गया। आपकी बेटी पर लालची नहीं है। सो थैंक यू बोलो। ओ भाईजान, ओ भाईजान, ओ मेरे लिए सबके साथ साथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ आ गया जिंदगी में पहली दफा। इस लड़की ने मुझे ये कुछ अभी आ रहा है मेरे लिए, मुझे कुछ लग रहा है। ओ नाइस यार, नाइस यार, यार ऐसे दे रही है, खोल के दिखा। ओ नाइस, ये मैं सुबह ही पहनूंगा तुम्हारे सामने, ये मेरा वादा रहा तुमसे सिमरन। और ये नेहा मुझे लगता है तुम्हारी वजह से इसने मुझे दी हैं चीजें। ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी दोस्त को, क्योंकि वो स्पेशल आई है मेरे लिए यार, लाहौर से। ये तुम लोगों को पता है यार, मेरी एक ही बेस्ट ईयर, वो है रुदस खान द गुल। द गुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जुनाम का मतलब है, उसका नाम है फूल, गुल। आई डेडिकेट दिस वीडियो एंड दिस व्लॉग टू हर। एंड चलो यार, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मार्क द व्लॉग गैंग में शामिल हो जाओ। चलो यार फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए Peace out.